हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्तक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके वीवो के Y01 मॉडल में यदि आपके इसमें लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यदि आपके इसमें लो साउंड मतलब स्पीकर तो चल रहा है लेकिन उसमें बिल्कुल स्लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही, बिल्कुल स्लो स्पीकर चल रहा है, तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सीधा बताना चाहूँगा आपको, मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ एक टेक्नीशियन के लिए। मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि यहाँ पर आप स्पीकर की जाली को साफ करके देखें, यहाँ पर डस्ट तो नहीं आ रही है, स्पीकर चेंज करके देखें, इस तरह का मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर दोस्तों आपके इसमें स्लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या होता है उसको मैं आपको कंप्लीट बताने के साथ साथ आपको समझाने भी वाला हूँ कि हमारे क्यों आता है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा, मैं अपने वीडियो में अगर आपको बताता हूँ यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जंपर कर दो तो उसको मैं ये भी बताऊँगा वो जंपर क्यों हो रहा है और उसको करने से अपनी प्रॉब्लम क्यों सोल्व हो जाती है, उसको भी मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप यहां पर इसके अच्छे से रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो। तो दोस्तों, हम यहां पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे इसमें स्लो साउंड की प्रॉब्लम आती कैसे। देखो, जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, अगर मुझे तेज गति मतलब तेज दौड़ना है तो मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पावर की नहीं, एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से हमारे जो ये वाले साउंड आईसी हैं, इसकी हमारे वीवो Y01 की ये वाली जो इसकी साउंड आईसी हैं, उसको तेज़ आवाज़ में स्पीकर को बजाने के लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो एक्स्ट्रा पावर है वो मिलती है फ्रिक्वेंसी की तौर पे हमारे इस यहाँ पर इस पावर आईसी से। मतलब देखो, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इग्नोर कीजिए प्लीज़। देखो, जो ये हमारी इसमें साउंड आईसी हैं वो नॉन प्रोग्रामेबल रहती है, मतलब जो आईसी 30 बोल से ज़्यादा है, 30 बोल नहीं 30 बोल से ज़्यादा, अगर 30 बोल की भी आईसी हैं तो वो प्रोग्राम करी हुई नहीं होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों समझिए, वरना इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर जिस आईसी में 30 से ज़्यादा बोले, जिस मोबाइल में साउंड आईसी लगी रहती हैं, ठीक है, मेरी बात को गौर करें, जिस मोबाइल में 30 जो साउंड आईसी हैं उसमें 30 बोल से अगर ज़्यादा बोले, जो जिसके अंदर ये छोटी छोटी बोल होती हैं, अगर 30 बोल से अगर उसमें ज़्यादा बोले हैं तो समझ लीजिए वो फ्रिक्वेंसी खुद जनरेट करती हैं, वो सारा जो सिस्टम होता है उस आईसी के अंदर ही होता है। अगर लो साउंड की प्रॉब्लम जिसमें आती है, जिसमें साउंड आईसी 30 बोल से ज़्यादा है, तो उस आईसी को ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर में जो उसका प्रोग्राम करा हुआ होता है सर्किट, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से होता है। अब समझ में आया। और हमारे इस मॉडल में क्या है, इसमें जो 30 बोल की आईसी नहीं रहती इसमें, ठीक है, इसमें 30 बोल की आईसी नहीं रहती है, इसमें 20 या 24 बोल के यहाँ पर इसमें आईसी लगी रहती हैं। ये आईसी नॉन प्रोग्रामेबल होती है, ठीक है, ये हमारे सीपीयू द्वारा ऑपरेट की जाती है और इसमें जो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है वो फ्रीक्वेंसी हमारे इस पावर आईसी से दी जाती है। और वो कौन से कंपोनेंट पर दी जाती है, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे दो फ्रीक्वेंसी आती हैं, एक फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पर आती है हमारे इस वाले कैपेसिटर पर आती है, और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे इस वाले कैपेसिटर पर आती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें, अगर आपका ये कैपेसिटर भी अगर निकल जाता है या फिर ये कैपेसिटर भी निकल जाता है तो 100% यहाँ पर आपको लो साउंड की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप जंपर भी नहीं कर सकते, इस कैपेसिटर अगर निकल जाता है तो वो जंपर भी नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले देखो समझ लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी 1 आती है वो हमारे सीरीज इस कैपेसिटर से हमारे इस वाले पॉइंट पर आती है, सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट पर आती है, उसके बाद इस पॉइंट से निकलती है और हमारे इस साउंड आईसी में चली जाती है। उसी तरीके से हमारे सबसे पहले इस वाले कैपेसिटर पर आते हैं यहाँ पर, उसके बाद इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर निकलती है, उसके बाद हमारे सीधा साउंड आईसी में आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपके लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इधर ग्राउंड रीडिंग चेक करनी है। अगर इधर आपकी ग्राउंड रीडिंग आ रही है तो उसके बाद आपको इस वाले पॉइंट पर चेक करनी है। अगर आपको इधर नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपका ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरा कैपेसिटर लगाना है, और वो किस तरीके से लगाना है वो भी मैं बताऊँगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जंपर कर देते तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारा कैपेसिटर का यहाँ पर सीरीज में ये लगा है, वो किस कारण लगा है,
देखो हमारे पावर आईसी से जो फ्रीक्वेंसी आती है वो मिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उसमें लो फ्रीक्वेंसी भी मिक्स में होती है और हाई फ्रीक्वेंसी भी मिक्स में होती है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, उनको फिल्टर करता है, क्या करता है, फिल्टर करके लो फ्रीक्वेंसी को तो यहाँ पर रोक लेता है और हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, जिसकी वजह से हमारी साउंड आईसी को हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है और बिल्कुल मतलब फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिससे ये तेज साउंड को प्ले करती है। समझ में आया ये क्यों होता है, जब यहाँ पर आती है तो ये कैपेसिटर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को तो रोक लेता है और हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ पर जंपर कर दिया, अगर आपने यहाँ पर जंपर कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों साथ में पास हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इसमें साउंड हल्का सा तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन क्या है वहाँ पर सर सर की आवाज़, टक टक की आवाज़, मतलब वॉइस के साथ डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों साथ में आ रही है, इसकी वजह से ये होता है। अब समझ में आया। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर कैपेसिटर आपका निकल जाता है तो वहाँ यहाँ पर आप कितना फ्रीक्वेंसी कहाँ कौन सा वैल्यू का यहाँ पर कैपेसिटर लगाओगे, वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको 65 से लेकर, मैं रेड कलर कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर आपको 65 से लेकर 100 नैनो फेराड का यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस वैल्यू का हम क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारे जो कैपेसिटर होता है उसमें उनकी तीन वैल्यू में नापा जाता है। सबसे पहली जो वैल्यू होती है उसको तो हम मापते हैं यूको फेराड में, ठीक है, यूको फेराड में मापते हैं। दूसरा जो वैल्यू होती है उसको हम मापते हैं नैनो फेराड में, और तीसरा जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम मापते हैं पीको फेराड में। अब दोस्तों हम नैनो फेराड का ही क्यों लेते हैं, यूको फेराड का क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखो इसका रीज़न भी ये रहता है, हमारा जो कैपेसिटर होता है वो जितना लो फेराड का होगा, मतलब लो फेराड का जितना कम फेराड का होगा उतना क्या करेगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और लो का ब्लो करेगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर यूको फेराड का लगा देते हैं, क्या करते हैं यूको फेराड का लगा देते हैं, तो वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर नहीं कर पाता है, वो क्या करता है लो फ्रीक्वेंसी को भी साथ में निकाल लेता है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर में से पास नहीं हो पाती। इसलिए हम यहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर लगाते हैं, जो यहाँ पर 65 से लेकर आप 100 नैनो फेराड का लगा सकते हैं, तो आपका यहाँ पर इसमें साउंड प्रॉपर वर्क करेगा। आप 100 नैनो फेराड से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर लगाते हो तो फिर वो हमारा साउंड प्रॉपर नहीं आ पाता है। ठीक है, इसका रीज़न ये रहता है, अगर आप 65 नैनो फेराड का लगाओगे तो साउंड और तेज़ आवाज़ में चलेगा। ठीक है, इनके बीच आप लगा सकते हो। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको यहाँ पर क्यों लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, जंपर क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें लो साउंड की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।